द टॉपिक इज रिलेशन। रिलेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर, पेयर ऑफ नंबर्स लेंगे 2, 3। 2, 3 में पहला नंबर है 2, तो सेकंड नंबर है 3। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर इज 3। ऑर्डर्ड पेयर है 4, 7, फर्स्ट नंबर इज 4, सेकंड नंबर इज 7। यहाँ पे ऑर्डर 4 के बाद है 7, फर्स्ट नंबर 4 ही होना, सेकंड नंबर 7 होना। यहाँ पे सेकंड फर्स्ट नंबर 7 है, सेकंड नंबर 4 है, ये दोनों ऑर्डर पेयर डिफरेंट है। सो दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स द पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इफ एबी इज द पेयर ऑफ नंबर्स देन द ऑर्डर इन विच द नंबर अपीयर इज इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एबी, जैसे मैंने बताया था 4, 7 और 7, 4 दोनों डिफरेंट है, वैसे ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। दो ऑर्डर्ड पेयर यदि इक्वल है, टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल, देन वी से दैट ए इज इक्वल टू सी। फर्स्ट नंबर दोनों का इक्वल रहेगा, सेकंड नंबर दोनों का इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल टू सी डी, ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी, इसका मतलब दोनों का फर्स्ट नंबर इक्वल है ए इक्वल टू सी, सेकंड नंबर बी और सेकंड नंबर डी, बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ऑर्डर पेयर है पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स ब्रैकेट में ए कॉमा बी, सर्कुलर ब्रैकेट में ए कॉमा बी। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर इज बी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरीके हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ए बी और दोनों ए बी और बी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो गए, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स द नंबर्स ए एंड बी आर इक्वल। एग्जाम्पल है, दो ऑर्डर पेयर है, पहला ए प्लस 5, 4 इक्वल टू 2, b+2, देन फाइंड ए एंड बी। अब डेफिनेशन ऑफ इक्वल ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, दैट मीन देयर फर्स्ट नंबर आर इक्वल, दोनों का फर्स्ट नंबर इक्वल लेंगे, दोनों का फर्स्ट नंबर ए प्लस 5, यहाँ पे 2, ए प्लस 5 इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इज -3। तो दोनों का सेकंड नंबर इक्वल, 4 इक्वल टू b+2, 4 इक्वल टू b+2 मीन्स b+2 इक्वल टू 4, b+2 इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4 माइनस 2, b इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट मीन्स b इक्वल टू 2। हियर ऑर्डर पेयर्स ए प्लस 5, 4, 2, b+2 आर इक्वल, एंड देयरफॉर ए प्लस 5 इक्वल टू 2 एंड 4 इक्वल टू b+2, ए इक्वल टू 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इज -3, बी इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स है ए और बी, दो सेट्स है ए और बी, ए सेट का नंबर है ए, बी सेट का नंबर देंगे बी, द नंबर ए बिलोंग्स टू सेट ए, नंबर बी बिलोंग्स टू सेट बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, वेयर फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू सेट ए, सेकंड नंबर बिलोंग्स टू सेट बी, इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, उसको क्रॉस पढ़ना है, इनटू पढ़ना नहीं है, रीड इट ए क्रॉस बी। दो नॉन एम्प्टी सेट्स है ए और बी, सेट ए का एलिमेंट है ए, सेट बी का एलिमेंट है बी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, वेयर फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू सेट ए, फर्स्ट सेट बी बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन वी से दैट
The set of all ordered pairs is called as Cartesian product of two sets A and B, and it is denoted by A cross B. See definition. Let A and B be any two non-empty sets. The set of all ordered pairs AB, such that A belongs to set A and B belongs to set B, is called the Cartesian product of A and B, and is denoted by A cross B. A cross B और B cross दोनों different है. A cross B को अपन लिखेंगे set builder form में, set of all ordered pairs AB, such that A belongs to set A, B belongs to set B. A is called as first element. A is called as first element. And B is called as second element. A is called as first element and B is called as second element of ordered pair AB. Ordered pair AB में A first element, second B second element हो गए. If A is not equal to B, A और B दोनों से equal नहीं है, तो A cross B is not equal to B cross A. It is always true. A cross B is not equal to B cross A. अब ये A B दोनों में से कोई भी एक non empty set है. दोनों एम्प्टी सेट, दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है, आइदर ए इक्वल टू फाइव और बी इक्वल टू फाइव, या दोनों सेट एम्प्टी है, ए एंड बी बोथ आर फाइव, तो ए क्रॉस बी ये एम्प्टी सेट रहेगा. ए क्रॉस बी में एक भी एलिमेंट नहीं आता. ए क्रॉस बी इज एम्प्टी सेट व्हेनेवर आइदर ए इज एम्प्टी और बी इज एम्प्टी और बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी. इसका एग्जाम्पल ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है ए कॉमा बी. सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स लेना है ए बी, यानी ए क्रॉस बी निकालना है. ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट लेंगे 1, इधर का लेंगे ए 1 कॉमा ए, बाद में 1 कंटिन्यू रखना है 1 कॉमा बी, सेकंड ऑर्डर पेयर. थर्ड ऑर्डर पेयर पहुंच जाएंगे 2 कॉमा ए, फोर्थ ऑर्डर पेयर 2 कॉमा बी, बाद में फिफ्थ ऑर्डर पेयर 3 कॉमा ए, देन 3 कॉमा बी. टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स रहेंगे. यानी ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इट विल बी 3 × 2, 6. 6 एलिमेंट्स कौन से? 1 ए, दूसरा 1 बी, थर्ड 2 ए, फोर्थ 2 बी, फिफ्थ 3 ए और 6 नंबर 3 बी. देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी. ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. यानी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू सेट ए, सेकंड नंबर बिलोंग्स टू सेट बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विथ इटसेल्फ, विथ इटसेल्फ दे रहे सेट ए और दूसरा बी है, बी की जगह पे फिर से ए रहेगा. A क्रॉस A, A क्रॉस B की जगह पे A क्रॉस A, बट वी कैन राइट A क्रॉस A मीन्स A स्क्वायर. A स्क्वायर का मतलब A क्रॉस A. A क्रॉस A में ऑर्डर पेयर देंगे AB, वेयर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नंबर A सेट करेंगे. AB बिलोंग्स टू सेट A, पहला नंबर A सेट का, दूसरा भी नंबर A सेट का, दैट मीन्स इट इज A क्रॉस A. A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विथ इटसेल्फ, वेयर AB इज एन ऑर्डर पेयर. ए क्यूब जैसा ऑर्डर्ड पेयर, पेयर में दो नंबर आते हैं, वैसे ऑर्डर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में 3 नंबर्स रहेंगे ए बी सी. ए क्यूब यानी ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ इटसेल्फ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 सेट्स. यहाँ पे पहला ए, सेकंड बी, थर्ड सी, तीनों नंबर्स ए सेट करेंगे ए बी सी. फिर ए बी सी इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 नंबर आ गए इसलिए ट्रिपलेट, 2 नंबर आ गए तो पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट. एग्जाम्पल इसमें ए सेट है 2 कॉमा 3, अब निकालना है ए क्रॉस ए. ए सेट है 2 3, फिर लिखता हूं मैं ए सेट अगेन 2 3,
पहले ऑर्डर पेयर टू टू, सेकंड ऑर्डर पेयर टू थ्री, पहले थ्री टू फिर थ्री थ्री, ऐसे टोटल फोर ऑर्डर पेयर आएंगे। एक और ए स्क्वायर मींस ए क्रॉस ए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर टू टू, ये बता दे टू टू, सेकंड टू थ्री टू थ्री, थर्ड थ्री टू और फोर्थ थ्री 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 थ्री। ए क्यूब निकालना रहा तो फिर नंबर्स लेना पड़ेगा, पहला ए सेट का, दूसरा ए सेट का, तीसरा ए सेट का, जिसको एक शॉर्टकट मेथड बता दू हाउ टू राइट दीज नंबर्स, टू 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 थ्री टू थ्री टू। पहले टू नंबर फोर टाइम्स लिखना है, टू 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 टू, दो नंबर है बाद में थ्री 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 थ्री, फोर टाइम्स बाद में टू टाइम्स टू, टू टाइम्स टू टाइम्स टू, टू टाइम्स थ्री बाद में टू टाइम्स टू, टू टाइम्स थ्री बाद में ऑल्टरनेट टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री, यदि इसे दो नंबर्स है तो इन्हें टू 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 पहले ऑर्डर पेयर, बाद में टू टू थ्री, टू थ्री टू, टू थ्री थ्री, थ्री टू टू, थ्री टू टू, थ्री टू थ्री, थ्री थ्री टू और थ्री थ्री थ्री, यानी पहले फोर टाइम्स टू, फोर टाइम्स थ्री, बाद में टू टाइम्स टू, टू टाइम्स थ्री, टू टाइम्स टू, टू टाइम्स थ्री, फिर ऑल्टरनेट टू थ्री एंड तक, ये हो गए टोटल एट ऑर्डर ट्रिपलेट्स। बाद में डेफिनेशन है रिलेशन की, रिलेशन वर्ड आपको पता है, जैसे दो एग्जाम्पल देते हैं, एक राम इज टॉलर देन श्याम, इसमें राम और श्याम दोनों रिलेटेड है, कौन सा रिलेशन है, इज टॉलर देन, ये रिलेशन से रिलेटेड है। हर्षल एंड रवि हैव सेम शर्ट्स, सेम शर्ट्स ऑफ सेम, हैव शर्ट्स ऑफ सेम कलर, यानी हर्षल और रवि दोनों रिलेटेड कौन से, शर्ट के रिलेशन से, दोनों का शर्ट सेम कलर के, हैव शर्ट्स ऑफ सेम कलर, दिस इज द रिलेशन। बाद में 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 25 और 5 रिलेशन कौन से, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, ये रिलेशन है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। बाद में नेक्स्ट रिलेशन लेते हैं, 2 एंड 4 आर इवन इंटीजर्स, 2 और 4 में रिलेशन कौन सा है कि दोनों इवन इंटीजर्स है, आर इवन इंटीजर्स, ये जो अंडरलाइन किए हुए रेड मार्क वाले, ये रिलेशन हो गए। एंड वी कैन से दैट श्याम इज रिलेटेड, श्याम राम इज रिलेटेड टू श्याम बाय द रिलेशन इज टॉलर देन, हर्षल इज रिलेटेड टू रवि बाय द रिलेशन हैव शर्ट्स ऑफ सेम कलर, 25 इज रिलेटेड टू 5 बाय द रिलेशन इज द स्क्वायर ऑफ, एंड 2 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर इवन इंटीजर्स, योगी रिलेशन। इन रिलेशन जनरल हो गए, अपने को मैथमेटिकल इन द नंबर्स में होता, ऑर्डर्ड पेयर्स में। दो साइड्स है ए और बी, दो साइड्स है ए और बी, ए सेट का एलिमेंट है ए, बी सेट का एलिमेंट है बी, इफ ए इज रिलेटेड विद बी बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर, तो वी राइट ए आर बी, ए वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, वेर ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी, दस रिलेशन गिव्स ऑर्डर्ड पेयर्स, रिलेशन यानी ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, वेर ए इज फर्स्ट, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, रिलेशन यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एज रिलेशन, तो रिलेशन की डेफिनेशन है, If A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B is called relation from A to B. A relation को denote करना है तो capital R, capital P, capital Q,
फिर R1, R2, R3, these are the letters used for relation. Consider the following example. अब जैसे दो sets हैं, एक set A और second set B. A set में elements हैं A, B, C. B set में elements हैं L, M, N, O, P. A is related with L. A is related with L by the relation R. R in the relation है. A is related with N. N के साथ में भी related है. B is related with M. B is related with O also. और C is related with P only. तो ये ordered pairs इसको लिखना रहा था कैसे लिखेंगे? पहले ordered pair है A comma L. Second ordered pair A comma N. In relation R. Relation R में ordered pairs कौन कौन से रहेंगे? A comma L माने A comma N. B is related with M with O. B with M, B comma M. B is related with O, B comma O. And C is related with P only. C with P. So this set is called as the relation R from set A to set B. We set A, let set A equal to ABC. B set LMNOP. इसमें total ordered pairs कितने बनेंगे? यहाँ पे 3 elements हैं. यहाँ पे elements हैं 5. Total ordered pairs 3 into 5. 3 into 5, 15. 15 ordered pairs होंगे A cross B में. पहला देंगे A के साथ में L, B के साथ में M, C के साथ में N, A के साथ में L. A L A M A N A O और A P. A L A M A N A O A P. वैसे B के साथ में B L B M B N B O B P. वैसे C के साथ में C L C M C N C O C P. टोटल 15 ordered pairs. यानी A क्रॉस B contains 15 ordered pairs. अब इसमें के पूरे की पूरे ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में नहीं है, सिर्फ पांच ऑर्डर रिलेशन है, पांच ऑर्डर पेयर है. पांच ऑर्डर पेयर कौन से? एक ए एल, ये डायग्राम में ए इज रिलेटेड विथ एल, ये ए एल. सेकेंड ए एन, ए इज रिलेटेड विथ एन, तो ए एन. बी एम, बी इज रिलेटेड विथ एम, तो बी एम. बी इज रिलेटेड विथ ओ, तो बी ओ. And C is related with P, तो ये हो गए CP. ऐसे total 5 ordered pairs है relation R में. And R के सभी elements, first, second, third, fourth, fifth, all the elements of R are the elements of A cross B. So we say that R is a subset of A cross B. R in the relation R is always subset of A cross B. So any relation is a subset of A cross B. रिलेशन की डेफिनेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. जो अभी बताया था मैंने वही है सबसेट. सबसेट के लिए नोटेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. If R is a relation and XY belongs to R, तो अपन लिखेंगे relation R है, XY belongs to R, यानी X is related to Y by the relation R, X R Y. पढ़ना कैसे इसको? X is related to Y by the relation R, X is related to Y by the relation R. Domain, relation R. रिलेशन आर में ऑर्डर पेयर्स है ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी. सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स रिलेशन आर में के फर्स्ट एलिमेंट का सेट दैट इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स
फर्स्ट कंपोनेंट्स एंड फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर. अ सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर द बी इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ द रिलेशन आर. रेंज ऑफ द रिलेशन आर सेट बी सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन. बी सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन. अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज रेंज. डोमेन की डेफिनेशन डोमेन को ऐसा लिखेंगे डोमेन आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. देन सेट बी इज कॉल्ड एज कोडोमेन. बी सेट यानी कोडोमेन हो गया रिलेशन आर. लेकिन अपने को रेंज होना रेंज यानी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट का सेट यानी डोमेन और सेकंड एलिमेंट का सेट रिलेशन के सेकंड एलिमेंट का सेट. That is range of the relation R. The set of all second components, the second elements of ordered pairs in the relation R is called the range of relation R. And domain को लिखते हैं set of all first elements A so that ordered pair AB belongs to R. Set of all ordered pairs B so that AB belongs to R. Binary relation is a relation from set A. To set A, that is called as binary relation. Let A be the non-empty set, then every subset of A cross A, every relation of A to A, every relation from A to A, every subset of A cross A is called binary relation on A. Binary relation on a set A, relation on set A. So relation के आगे का part next lecture में.